अगर फ्रेंड्स आपके पास मोटो का G52 है और आपको इस फोन में फोटो और वीडियो हाइड करना है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे हाइड कर सकते हैं। हाइड करके रखे हुए आपने पहले से ही, उनको अनहाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे ये भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने ऐप्स को इस तरीके से ओपन कीजिए। यहाँ पे एक ऐप आपको देखने को मिलेगा इस फोन का ही, जो कि फाइल नाम से आपको देखने को मिल जाता है। इस फाइल को आपको ओपन करना है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो सेव फोल्डर देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप दो टाइप से इसको सिक्योर कर सकते हैं, जो कि पिन लॉक है यहाँ पे और पेंटर लॉक है। जो भी आपको लॉक लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और दो बार आपको ये कंफर्म कराना होगा। कंफर्म कराने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो दो बार आपको ये लॉक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। तो गॉट इट पे आपको क्लिक करना होगा तो आपका ये सेव फोल्डर बन जाता है एकदम क्लियर तरीके से सेव। अब आपको बैक आ जाना है। यहाँ से फोटो हाइड करने के लिए आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी, आप इन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से उन इमेज के लिए सेलेक्ट कीजिए जो कि आप इस फोन में हाइड करना चाहते हैं। तो कौन सा फोटो है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टी करके भी, और एक करना है केवल। तो इस तरह से एक की सेलेक्ट कीजिए तो अभी हाइड कर पाएंगे। तो सेलेक्ट करना है आपको कुछ इस तरह से, और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा मूव टू सेव फोल्डर। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक लॉक आएगा, जो कि आपका सेव फोल्डर वाला ये लॉक होता है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए इसको, तो ये यहाँ से आपके फोटो गायब हो जाएंगे और उस सेव फोल्डर में आपके चले जाएंगे। तो इस तरह से फोटो हाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से वीडियो को भी हाइड कर पाएंगे। वीडियो के लिए वीडियो पर सेलेक्ट कीजिए, उस वीडियो को भी आपको टैप एंड होल्ड करना है जिसको हाइड करना है, और यहाँ क्लिक करके आपको फिर से यही ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे लॉक आपके सामने फिर से लॉक आएगा, तो इसको डाल के आप हाइड करा पाएंगे। अब इनको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा बैक आ जाइए, इसी फोल्डर में जाइए जो भी आपने यहाँ पे बनाया था, जो लॉक डाला था, और यहाँ पे आपको वो लॉक डालना है जिसके बाद आपके सामने फोटो और वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, जहाँ से आपने लिया होगा वहीं वापस ये चला जाता है। तो इस तरह से इस फोन में फोटो और वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं।